नमस्कार, सनिताज वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाय में डालने वाला मसाला, चाय मसाला। ये मसाले का प्रयोग करने से चाय जो है बहुत कड़क, तेज और स्फूर्तिदायक बन जाती है। इस मसाले को बनाना बहुत आसान है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें क्या क्या सामान चाहिए, चलिए आइए बताते हैं। इसमें चाहिए सोंठ पाउडर, दालचीनी पाउडर, तेज पत्ता, लौंग, छोटी हरी इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची। और जो तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इन सबको हम तवे पे सेक लेंगे थोड़ा। इससे क्या होगा, इसकी नमी हट जाएगी और ये आसानी से पीस जाएंगे। चाय मसाले के लिए दो तेज पत्ता लेंगे और एक चम्मच के करीब छोटी इलायची, एक चम्मच बड़ी इलायची, एक चम्मच लौंग, काली मिर्च, काली मिर्च 3 चम्मच है, आप इसको घटा बढ़ा सीख सकते हैं। तेज नहीं चाहिए तो काली मिर्च कम कर सकते हैं। अब इसको हल्का सेक लेंगे। ये मैंने छिलका नहीं उतारा है, छिलका ये इसमें पिस जाएगा मिक्सर में। पूरा होने तक इसे करना पड़ा 2 मिनट के करीब। ये मैंने खड़े मसाले सब पीस लिए हैं, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च और बड़ी इलायची। अब इसमें ऐड करेंगे सोंठ पाउडर, ये एक छोटी कटोरी है ये, और ये आधा छोटी कटोरी दालचीनी पाउडर है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरा चाय का मसाला तैयार हो गया है। इसको आप एक अच्छे से साफ जार में भर के रख लीजिए, फिर चाय बनाते वक्त इसका उपयोग करिए, इससे चाय बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरा चाय मसाला तैयार है और इसका आप चाय में 1 चम्मच डालकर उपयोग करिए। इससे चाय जो है कड़क बनती है और ये 1-1.5 महीना चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए। Thank you.